वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर ऑफ क्वालिटी फॉर लेटेस्ट अपडेट यू कैन फॉलोअर्स ऑन आर टेलीग्राम चैनल और ऑन आर वेबसाइट दैट इज़ डब्ल्यू 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 डॉट अरोड़ा आई एस डॉट कॉम और अगर आप पी जी वी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स और इन बुक्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड एमजॉन सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर सो आज हम करेंगे नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो टू थाउजेंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नेशनल कमीशन सेटअप किया गया वर्क कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को रिव्यू करने के लिए और इस कमीशन के 11 मेंबर्स थे और इस कमीशन के जो हेड थे वो थे एम एन वेनकाट जी जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस इंडिया भी रह चुके थे और इस कमीशन के द्वारा इनकी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की गई टू थाउजेंड टू में सो so, नेक्स्ट क्या है टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन

कि जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के कि जिस जिस जैसी हमको ज़रूरत है हमारी गवर्नेंस के लिए कि वैसी है वो जो जो जिस चीज़ के लिए उनकी नीड है वो वैसे रिस्पॉन्स कर रहे पा रहे हैं या फिर नहीं सो इट आइडेंटिफाई द एलेवन एरियाज़ ऑफ स्टडी तो इनके द्वारा ग्यारह एरियाज़ को स्टडी किया गया है यहाँ पर और अपने जो इन्होंने प्रपोज किया वहाँ प्रपोज टू तो एग्ज़ामिन दैम एंड प्रपोज़ किया एग्ज़ामिन करने के लिए दे इंक्लूड द फॉलोइंग कौन से थे वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नेक्स्ट है इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में पेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस एंड डेवलपमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेवलपमेंट वगैरह करनी है या नहीं प्रमोटिंग लिटरेसी जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन को प्रमोट करना एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए एंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी एंड एलिवेशन ऑफ अ पावर्टी नेक्स्ट आता है यूनियन एंड स्टेट के रिलेशन के बारे में डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवोल्यूशन डी का मतलब कि जो पावर्स है वो पंचायत वगैरह को उनकी खुद के लिए खुद के कामों के लिए पावर देना एनलार्जमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अफेक्चुएशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एफेक्चुएशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड जो प्रियम्बल में दिया गया उनके ऑब्जेक्टिव को अचीवमेंट करना लीगल कंट्रोल ऑफ फिजिकल एंड मोनिटरी पॉलिसी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ सो so नेक्स्ट है फिफ्टी ईयर्स ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इस कमीशन के द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई जो कि इन्होंने नाइन जिस टाइम से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था नाइनटीन फिफ्टी से लेकर टू थाउजेंड तक कि फिफ्टी ईयर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या क्या जो थे पॉजिटिव पॉइंट्स थे क्या क्या नेगेटिव हुआ मतलब उतने पचास सालों में तो सबसे पहला आता है इसमें पॉलिटिकल अकम्पलिशमेंट तो इसमें क्या था कि इंडियाज़ डेमोक्रेटिक बेस हैज़ स्टेबलाइज एज अ वर्किंग फेडरल पॉलिटी विद द सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द बेस ऑफ डेमोक्रेटिक डिबेट हैज़ वाइडेंड कि जो इंडिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो स्टेबलाइज हुईज अ फेडरल पॉलिटी की तरह ही काम करती कर रही थी वो बिकॉज uh, जो सेवेंटी थर्ड एंड सेवनटी फोर्थ अमेंडमेंट लाई गई थी जिसके थ्रू तो हमारी पंचायत एंड म्यूनिपैलिट म्यूनसिपैलिटीज़ को लाया गया था उनमें पावर्स डिवाइड की गई पंचायत को ग्राउंड लेवल के लिए पावर दी गई सो जर्नरल इलेक्शंस हैज़ बिन हेल्ड विद रेगुलरिटी और जो जनरल इलेक्शंस थी आ, लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेचर की वो टाइम पे हो रही थी नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को मिलती है सो इन पचास सालों में जो इंडेक्स था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का वो इंक्रीज़ हो गया था फोर्टी सिक्स पॉइंट टू से लेकर सेवन वन सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट तक और क्या हुआ था जो वीट प्रोडक्शन थी इलेवन मिलियन टन सेवनटी फाइव पॉइंट सिक्स मिलियन टन तक पहुंच गई थी नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी हैज इंक्रीज फ्रॉम फाइव पॉइंट वन बिलियन टू फोर एट्टी पॉइंट सेवन बिलियन की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो भी इंक्रीज हुई थी इन पचास सालों में और सिक्स टू एट परसेंट एनुअल ग्रोथ ऑफ जीएनपी और जो जीएनपी थी वो भी अभी जो थी वो सिक्स टू एट परसेंट तक पहुंच चुकी थी नेक्स्ट आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी अचीवमेंट्स हुई हैं जैसे कि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था हैव हाफ टू सेवेंटी टू बर्थ पर हंड्रेड मॉर्टेलिटी रेट था इन्फेंट्स का वो हाफ हो चुका था एंड लाइफ एक्सपेंडेंसी एट बर्थ हैज़ ग्रोन फ्रॉम थर्टी टू ईयर्स इन नाइनटीन फिफ्टी वन नाइनटीन फिफ्टी टू सिक्सटी थ्री ईयर्स जो uh, एक पर्सन की जीने की क्षमता थी उसकी डेथ uh, की एज थी वो थर्टी टू से सिक्सटी थ्री पहुँच चुकी थी और जो चाइल्ड बॉर्न इन केरला टुडे कैन एक्सपेक्ट टू लिव लॉन्गर देन अ चाइल्ड बॉर्न इन वॉशिंगटन कि अगर कोई बच्चा केरला में जन्म ले रहा है तो वो ज़्यादा जिएगा अगर कोई बच्चा वॉशिंगटन में जन्म ले रहा है उससे उससे लाइफ एक्सपेंडेंसी ऑफ वुमेन इन केरला इज़ नाउ सेवेंटी फाइव ईयर्स यानी कि जो ओ, वुमेंस uh, रह रही थी केरला में उनकी जो लाइफ uh, एक्सपेक्टेंसी थी वो सेवेंटी फाइव ईयर्स हो चुकी थी एंड नियरली नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द विलेज हैव अ प्राइमरी स्कूल विद इन अ वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ वन किलोमीटर कि नाइन्टी फाइव परसेंट गाँव में जो थे वो प्राइमरी स्कूल्स बन चुके थे सिर्फ एक किलोमीटर के दायरे में ही सो so नेक्स्ट अब हम देखेंगे पॉलिटिकल फेलियर्स कि जहाँ पे कुछ अचीवमेंट्स हुई है वहाँ पे कुछ एरियाज में फेलियर्स भी देखने को मिले हैं सो मेन कॉज एंड सोर्स ऑफ पोलिटिकल डिके इज द इन एप्टनैस ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस विच नॉट हैव बीन एबल टू कीप आउट क्रिमिनल एंटी सोशल अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन कि जो मेन कारण है यहाँ पे पोलिटिकल फेलियर का वो क्या है कि ये जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें क्रिमिनल्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं कुछ एंटी सोशल और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो अनडिजायरेबल हैं उनके पार्टिसिपेशन के कारण जो पॉलिटिकल फेलियर है वो हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट है इकोनॉमिक फेलियर तो इसमें क्या है कि जो रिच रिचेस्ट लोग हैं हमारी इंडिया की कंट्री के जो रिचेस्ट पॉपुलेशन है पूरी कंट्री की जो एट्टी फाइव परसेंट इनकम है वो उन्हीं के पास जाती है और जो पोरेस्ट हैं यानी कि जो, जो गरीब लोग हैं उनके पास सिर्फ वन पॉइंट फाइव परसेंट ही कंट्री की इनकम का जाता है नेक्स्ट आता है सोशल फेलियर तो इसमें क्या है कि सम फिफ्टी थ्री परसेंट चिल्ड्रंस अंडर फाइव रिमेन्स माल नरिश्ड कि जो पाँच साल की एज तक के बच्चे हैं उनमें से फिफ्टी थ्री परसेंट बच्चे कम से कम ऐसे हैं कि जो माल नरिश्ड हैं देयर आर थ्री एट्टी मिलियन चिल्ड चिल्ड्रं बिलो द एज ऑफ फोर्टीन एंड ऑलमोस्ट हंड्रेड मिलियन ऑफ देम आर दलित चिल्ड्रेन की यहाँ पे थ्री एट्टी मिलियन जो चिल्ड्रन हैं, वैसे हैं कि जो चौदह साल की चौदह साल से कम एज के हैं और उनमें से हंड्रेड मिलियन ऐसे हैं जो दलित परिवारों से आते हैं एंड नो इफेक्टिव स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग टू ऑफ कोर मेन स्ट्रीम और कोई भी स्टेप उनको उनके एडवांसमेंट के लिए यहाँ पे नहीं लिए जा रहे हैं सो so, जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर लिए जा रहे थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नॉर्दर्न स्टेट्स में तो वो भी सक्सीड नहीं हो पा रहे थे नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो इसमें क्या है करप्शन हो रही हैं करप्शन के कारण जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है नेक्स्ट है जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी ये भी जो थे मतलब जेंडर को जस्टिस नहीं मिल रहा मिल पा रहा था वहाँ पे मैन एंड वुमेन को इक्वल नहीं देखा जा रहा था ये भी फेलियर देखने को मिलता है यहाँ पे सो so, इंडिया में क्या था कि देर आर ओनली नाइन थर्टी थ्री वुमेन्स फॉर एवरी थाउजेंड मैन यानी कि हर एक हज़ार मैन के लिए सिर्फ नाइन नाइन थर्टी थ्री वुमेंस थी एंड ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन थी वुमेन्स की पब्लिक सर्विसेज में वो जस्ट फोर पॉइंट नाइन परसेंट है पोलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इंडिकेट दैट इन नाइनटीन फिफ्टी टू देर आर ओनली ट्वेंटी टू वुमेन इन लोकसभा अगेंस्ट फोर नाइन्टी नाइन सीट्स कि नाइनटीन फिफ्टी टू में लोकसभा में सिर्फ ट्वेंटी टू वुमेन्स थी जो कि उस टाइम का फोर पॉइंट फोर वन परसेंट बन रही थी और नाइनटीन नाइन्टी वन में ये इंक्रीज हो गया था यानी कि फाइव फोर्टी फोर सीट्स में से फोर्टी नाइन सीट्स पर वुमन थी यानी कि नाइन अप्रोक्सीमेट नाइन परसेंट तक ये इंक्रीज़ हुआ था नेक्स्ट है बिटवीन 1995 टू 2000 आउट ऑफ फाइव जीरो थ्री जज ऑफ द हाई कोर्ट ओनली फिफ्टीन वर वुमेन की इनमें से सिर्फ पंद्रह ही ऐसी वुमेन्स थी जो हाई कोर्ट की जज थी बाकी सारे उसमें से उसमें मेन थे नेक्स्ट आता है जुडिशल सिस्टम जुडिशल सिस्टम के भी हमें काफ़ी फेलियर्स देखने को मिलते हैं बिकॉज जुडिशियल सिस्टम हैज़ नॉट बीन एबल टू मीट इवन द मॉडस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी जो जुडिशल सिस्टम है वो हमारी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहा था बिकॉज वहाँ पे काफ़ी डिले रहा डिले आ रहा था केसेस में कि केसेज बहुत लंबे टाइम तक पेंडिंग पड़े रहते थे और कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जा होती थी किसी भी केस को कंप्लीट करने के लिए जो कि लो, आम लोगों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा था प्रोसेस बहुत स्लो था जुडिशल सिस्टम का तो इन सब की ओवरऑल असेसमेंट से हमें पता चलता है कि इन पचास सालों में फेलियर्स ज़्यादा देखने को मिले हमें सक्सेस से ज़्यादा देन सक्सेस कि देर आर मोर फेलियर्ससेस स्टोरीज कि सक्सेस से ज़्यादा हमारे uh, इंडिया में इन पचास सालों में फेलियर्स ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं तो इस चीज़ के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी कमीशन के द्वारा तो इन ऑल uh, जो कमीशन के द्वारा टू फोर्टी नाइन रिकमेंडेशन दी गई थी ऑफ दैम फिफ्टी एट रिकमेंडेशन इन्वॉल्व अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिफ्टी एट रिकमेंडेशन ऐसी थी जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात की गई थी एंड एट्टी सिक्स इन्वॉल्व लेजिसलेटिव मेजर्स एंड रिमेनिंग थ्रो एग्जीक्यूटिव एक्शन बाकी एक सौ पांच रिकमेंडेशन बच रही थी उनको एग्जीक्यूटिव uh, एक्शन के थ्रूकम्पलिश किया जा सकता था वेरियस रिकमेंडेशन आर तो यहाँ पे काफी सारी रिकमेंडेशन थी तो उनमें से कुछ मैंने मेन मेन यहाँ पे निकाली है तो इस चीज के लिए अगर आपको पूरी पढ़नी है तो आप उसके लिए पहले बुक को रेफर कर लीजिएगा तो यहाँ पे मैंने कुछ मेन मेन रखी है so, सब सबसे पहली यह द स्कोप ऑफ प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन शुड बी एक्सटेंडेड जो स्कोप है प्रोहिबिशन के अगेंस्ट उसको एक्सटेंड किया जाए यानी कि जो आर्टिकल फिफ्टीन एंड सिक्सटीन दिया गया है उसको एक्सटेंड किया जाए जो फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की उसको एक्सटेंड किया जाए और जो राइट टू एजुकेशन दिया गया है अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ए उसको भी इनलाज किया जाए एंड देयर शुड बी नो आर्बिट्री डेप्रीविएशन और एक्विशन ऑफ द प्रॉपर्टी कि किसी की प्रॉपर्टी को आर्बिट्रेरी ही किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर ना किया जाए किसी के द्वारा एंड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑन द कंट्रोल ऑफ दंट्रोलेशन शुड बी भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया जाए जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हो एंड इंडिपेंडेंट नेशनल एजुकेशन कमीशन शुड भी सेटअप एवरी फाइव ईयर और एक इंडिपेंडेंट नेशनल एजुकेशन सेटअप किया जाए हर पांच साल में अ रिकमेंडेशन ऑफ द जस्टिस वर्मा कमेटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज एट द अर्स्ट की जितनी जल्दी हो सके कि जो जस्टिस वर्मा कमेटी द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी उनको इम्प्लीमेंट किया जाए द प्रिवेजिज ऑफ लेजिस्टर शुड भी डिफाइंड जो लेजिस्टर की प्रिवलेज है उनको डिफाइंड किया जाए डिलिमिट किया जाए फॉर फ्री एंड इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो आर्टिकल वन जीरो फाइव है मे बी अमेंडेड टू क्लेरिफाई दैट द इम्यूनिटी इन्जॉयड बाय द मेम्बर्स अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की जो आर्टिकल वन जीरो फाइव है उसको अमेंड किया जाए ये क्लेरिफाई करने के लिए कि कौन सी इम्यूनिटी है जो पार्लियामेंट्री प्रिवेज के अंदर किसी मेंबर के द्वारा एंजॉय की जाएंगी नेक्स्ट आता है नेशनल जस्टिस कमीशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी एस्टेब्लिश टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की एक नेशनल जुडिशल कमीशन सेटअप किया जाए सुप्रीम ज़, ज़, कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए और जो रिटायरमेंट एज है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उसको इंक्रीज करके सिक्सटी फाइव एंड सिक्सटी एट कर दिया जाए और जो ट्राइबल एरियाज़ है जिनको फिफ्थ शेड्यूल के अंदर गवर्न किया जाता है उनको सिक्स शेड्यूल में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए और पावर टू डिसाइड क्वेश्चन रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन कि ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के बेसिस पे अगर किसी को भी डिसक्वालीफाई करना है तो वो जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस के पास तो क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट पॉलिटिशियंस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट आइदर फॉर अ ट्रायल और इन अपील मस्ट बी डिस्पोज ऑफ स्पीडली कि अगर किसी भी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़ा है कोर्ट में तो उसको स्पीडली स्पीड speed से जो है कंप्लीट किया जाए तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है मिलते अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ थैंक यू